बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वली ऑटोमोटिव सर्विस में खुशामदीद। आज ये आल्टो है जी, आल्टो में लगाएंगे हेडलाइट लेवलिंग स्विच, हम इसे हेडलाइट एडजस्टिंग स्विच भी बोलते हैं, जिससे लाइटें ऊपर नीचे कर सकते हैं आप अंदर बैठे, ठीक है। और फोक्स लैम्प हमने इंस्टॉल कर दिए, बटन ये देखें जेन्युइन फिटिंग में आया है। इसके बाद हमने मल्टी मीडिया भी इंस्टॉल कर दिया है, LCD वो कस्टमर ने बाद में लगवानी है, ठीक है। जेन्युइन पे नहीं चलते ये मल्टी मीडिया, ठीक है। इसके स्विच के आपको कनेक्शन बताते हैं आज। ये एक वायर सिग्नल की होगी जो बटन में से निकल के जो हेडलाइट जो मोटर में आएगी, ठीक है। एक ही वायर आएगी अंदर में, अंदर से, ठीक है। और हम इसको अंडरग्राउंड ही सारा करेंगे, ठीक है। आगे चल के बताते हैं आप कैसे करना है। ये हमारी फोक्स लैंप की जो वायर अंदर से आ रही है बटन में से, ठीक है। ये एक स्पेयर वायर होती है, ठीक है, ये आपको दिखा रहा हूँ। स्पेयर वायर होती है जो आपको इसमें जो इसका रबड़ है वो काटना नहीं पड़ता, सुराख नहीं करना पड़ता, ठीक है। वो वायर ग्लो बक्स के पीछे होती है, ये देखें, ठीक है। ये आपको एक स्पेयर वायर कंपनी ने दी होती है, ठीक है। ये आप इससे लगा सकते हैं, ठीक है। ये बटन की कनेक्शन दिखा देते हैं आपको, पर इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है। एक जो आपने है जो पार्किंग की जो करंट लेनी है, ये उसकी रेड वायर है, ठीक है। इससे आप पार्किंग की जो बटन की इनपुट दे सकते हैं आप, ठीक है। ये बटन की होगी, ठीक है। अच्छा, ये देखें कितनी प्यारी लग रही है फोक्स लैंप। अच्छा, ये जेन्युइन बम्पर पे नहीं लगते, ये इसका नॉन जेन्युइन बम्पर लेना पड़ता है, उस पर लगते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके करंट होगी दरमियान वाली सिग्नल की होगी, और ये ऊपर वाली अर्थ नेगेटिव होगी, ये हमारा करंट होगा, ठीक है, जो पार्किंग से लेंगे। और ये हमारी फिर सिग्नल की वायर होगी दरमियान वाली, और ठीक है, ये एक होगी आपकी अर्थ की होगी, नेगेटिव होगा, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको पार्किंग में से लगा लेना है, ठीक है। पार्किंग में से आपने करंट ले लेना है, पार्किंग करंट देंगे नज़दीक, सबसे नज़दीक यही होती है हमारी, ठीक है। अर्थ करंट दोनों दे देंगे हम, यहाँ से जस्ट इसको देंगे, इसकी जो पॉजिटिव है जो करंट वाली तार है जो इसमें पार्किंग आती है, पार्किंग जब ऑन करते हैं तो करंट आता है, उसमें देंगे, उससे लेंगे हम एक वायर, ठीक है। और ये हम हेडलाइट मोटर के साथ लगा देंगे, जस्ट मोटर के साथ लगा देंगे, ठीक है। आपने जो इसकी जो पार्किंग की छील के लगा देनी है, वायर लगानी है, तो ये आपने उसी वक्त टेप वगैरह ओके करके वायर निकालनी है इसकी जो पार्किंग वाली करंट है, ठीक है। हमने से यहाँ से जस्ट इसकी करंट ली है, पार्किंग करंट ली है, ठीक है। अर्थ हम जो है नेगेटिव, हम वो इसके जो काबले है उसके साथ देंगे वायर। कोशिश करें कम ही काटा करें, ऊपर से नेमल कम ही उतारा करें, ठीक है। ये हम अभी स्विच इसका लगा रहे हैं पार्किंग वाला, ठीक है। कपलर्स में हमने लगा दिया इसमें लाइट के अंदर, ठीक है। इसमें इसमें से हमने पॉजिटिव ले लिए, जो जब हम इसके पार्किंग ऑन करेंगे तो करंट आएगा, ठीक है। ये हमारी होगी करंट, ठीक है। ये हमारी होगी पॉजिटिव, और दरमियान वाली जो होगी हमारी वो जो अंदर स्विच में से आएगी सिग्नल की वायर, ठीक है, जो इसको कंट्रोल करेगी ऊपर नीचे करेगी, ठीक हो गया। जब हम लगा लेंगे सबसे नीचे वाली जो वायर होगी, हमने उसके साथ इसको करंट दे देना है, ठीक है। पार्किंग का जो करंट आएगा वो दे देना हमने, ये लगा के आप कनेक्शन देख सकते हैं, बड़े सिंपल से हैं, बड़े आसान से हैं ये। जो सिग्नल की वायर है वो हम मिड में लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों तरफ के ना जो कनेक्शन ए सेम ही है, ठीक है, राइट और लेफ्ट जो हेडलाइट है दोनों के कनेक्शन सेम ही है। और ये हमारा नेगेटिव होगा अर्थ हमारा। जो
जो हमारी सिग्नल की वायर होगी वो एक ही होगी, दोनों जो राइट लेफ्ट दोनों है जो हेडलाइट्स वो एक ही सिग्नल की वायर जाएगी इनको, ठीक है, कॉमन ही जाएगी। वो आगे चल के आपको बताते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वायरिंग भी बताते हैं कैसे हमने अंडरग्राउंड की है, पता ही नहीं चल रहा कि इसकी वायरिंग हमने की भी है या नहीं। एक ही वायर ब्लैक आपने डालनी है, ठीक है, ये हम लगाएंगे नेगेटिव पे लगाएंगे, हमने वो वहाँ से अर्थ नहीं लिया, नेगेटिव नहीं लिया, हम यहाँ से ही दे देंगे इसको, कोशिश करें जेन्युइन वायर को ना ही काटें तो बेहतर है। आप उसकी कपलर में से भी करंट ले सकते हैं, पर बेहतर है वो हिल जाता है, तो बेहतर आप उसको ना निम्बल छील के ना तार को ऊपर से, तो वो आप करंट भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये हमने नेगेटिव अभी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो काबले में लगाएंगे इसका नेगेटिव, इसके जो हम फिटिंग वो बाद में करेंगे, पहले हम ये वायर हमने ये देखे डाल लिए, ठीक है, बिल्कुल पीछे करके डाली और बंद लगा दिए टेप के, ये देखें पीछे करके डालिए, पता ही नहीं चल रहा कि वायर भी हमने डाल ली है, ठीक है, ये देखें, ठीक हो गया, पता ना चले आपको। और ये भी वायर आपने इस तरफ ले आनी है, लेफ्ट साइड पर ले आनी है, जो हमने ये लगानी है, ठीक है। अच्छा, ये लाइट जब आपने लगानी है ना, खोलना पड़ेगा आपको बम्पर भी और लाइट भी खोलनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसके बिल्कुल पीछे करके कपलर, ये हमने लाइट ओपन कर लेनी है, इसके लिए बम्पर आपका लाजमी खुलेगा और हेड लाइट भी आपको पीछे थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके सही आसानी के साथ इसके कनेक्शन होंगे, वो कपलर उतरेगा, ठीक है, कपलर उतर तो जाता है पर मुश्किल होती है, कनेक्शन भी तो करने हैं ना, ठीक है। अब इसको कपलर हम लगा देंगे, वैसे ही है, सबसे नीचे वाली पॉजिटिव होगी, दरमियान वाली सिग्नल होगी और ऊपर वाली हमारी जो नेगेटिव होगी, ठीक है। हम जो इसकी जो पार्किंग वाली यहाँ से ही अर्थ करंट दोनों ले लेंगे, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो फिर आप इसको यहीं से दे देंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, तो पार्किंग के साथ। पार्किंग ग्रांट हमने ले लिए, अब हम नेगेटिव भी ले लेंगे इससे। ठीक है, नहीं हमारे कनेक्शन हो गए हैं जी, हम इसको फिटिंग कर देते हैं, टेपिंग वगैरह करके बंद लगा के इसको टाई क्लंप लगा लेंगे या टेप के बंद लगा देंगे। अच्छा जी, ये हेडलाइट जो इसके हेडलाइट में जो ये मोटर है ना, ये 2023 के एंड तक आई है ये, ठीक है, उसके बाद नहीं आई है मोटर जो इसकी हेडलाइट्स के अंदर जो लगी हुई तार, हमने इसमें वेल्डिंग वाली तार जो हमने इसके अंदर लेके जानी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम तार वो जो वायर इसकी सिग्नल की वायर गुजारेंगे, ठीक है, क्योंकि एक स्पेयर जो आ रही है हमने जो इसकी लगा दी है फोक्स लैम्प की लगा दी है, ठीक है, हम एक वायर लेके जाएंगे इसमें, जो इसकी वेल्डिंग वाली वायर होती है ना वो अच्छी होती है, वो आप ले जाएँ इसे, वो उतना ही सुराख करती है जितना वायर को चाहिए, ठीक है, बाकी जब गुजर जाए तो उसके बाद आपने सिलिकॉन हल्की सी लगा लेनी है, ठीक है, पानी वगैरह ना दोबारा जाए रबड़ में से, ठीक, ये हम रबड़ में से गुजार रहे हैं।
जो वायरिंग वाला होता है ना रबड़, उसमें से गुजार रहे हैं, ठीक है, हल्का सा सुराख होता है, जब सुराख हो जाए हल्का सा, फिर आप जब वायर अंदर चली जाए तो आपने सिलिकॉन लगा लेनी है हल्की सी, ठीक है। ये हमारी वायर अंदर आ गई है, ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर आ गई है हमारी, हमारी थोड़ी सी वायर छोटी होगी, यहाँ से एक और वायर डालेंगे, ठीक है, जो हमारे बटन तक जाएगी, ये हमारी बटन से जो आउटपुट निकलेगी सिग्नल की वो होगी वायर, ठीक है। अंडरग्राउंड हमने वायरिंग ले जानी है, ठीक है, अंदर से अंडरग्राउंड ही निकालनी है, ठीक है, सारी ये पाँव में नीचे ना आए, ठीक है, या आप इसके नीचे से जो इसकी जो मैट पड़े हुए हैं इसके नीचे से लेके जाएं आप, कि आप बिल्कुल पीछे से लेके चले जाएं, ठीक है, मैं बाद में पाँव में ना आए आपके। एक हमारी ये हमारी आउटपुट आ गई है, ठीक है, ये अर्थ भी हमारी हमने निकाल ली है, नेगेटिव भी निकाल ली है, ठीक है, ये जो वाइट तार ब्लैक जो लाइन वाली होगी वो अर्थ होगी हमारी, नेगेटिव होगा, ठीक है, जो स्विच में से निकल रही है, ठीक है, इसको हमने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, और इसमें एक मोटी तार और एक बारीक है, बारीक आपकी पार्किंग के साथ लगेगी करंट, ठीक है, पार्किंग का करंट लगेगा, ठीक है, ये बटन के साथ ही होगा फोक लैंप की, ठीक है, वहाँ से ले लेंगे। एक मोटी तार होगी रेड कलर की, इसको आपने ड्रैग करंट देना है, ठीक है, ड्रैग करंट आपने ले लेना है, कोशिश करें फ्यूज़ में से लें, जो है ना इसका क्या कहते हैं इसको, ब्रेक स्विच वहाँ से ले लें आप, ठीक है, ये हमने ब्रेक स्विच से ड्रैग करंट ले ली है, ये लगा देंगे ड्रैग करंट इसको मोटी वायर को, ठीक है, रेड कलर की जो मोटी होगी ना उसको ड्रैग करंट लगेगी, और ये हमारी सिग्नल की है, ये हमारी सिग्नल की वायर है, ठीक है, जो ग्रीन कलर की है ना, लाइट ग्रीन सी है जो, ये हमारी सिग्नल की वायर है, ठीक है, ये हमारी सिग्नल की है, जो रेड है ड्रैग करंट, ये हमारी ड्रैग करंट है, ठीक है, ये हमने ड्रैग करंट इसके साथ ही, बारीक है ये मोटी, मोटी ड्रैग करंट लगेगी, और बारीक आपने पार्किंग करंट लगानी है, ठीक है, जब पार्किंग से जो करंट निकलेगा वो आपने इसमें लगाना है, ठीक है, जो वो फोक लैंप लगाए हैं उसमें आ रही है पार्किंग ही हमारी, वहीं से हम ले लेंगे, ये हमारी ड्रैक्ट करंट है, ठीक है, ये हमारी ड्रैक्ट करंट है, ये हमारी सिग्नल और ये हमारा अर्थ, ठीक हो गया, ये हमारी पार्किंग की होगी बारीक जो रेड कलर की है, टेपिंग कर लेंगे इसको, पार्किंग वो स्विच में से दे देंगे फोक लैंप में से, ठीक है, अंदर इसको फिटिंग कर देते, फिटिंग इनकी दोनों की माशाल्लाह ज़बरदस्त आई है, ठीक है, चैनल फिटिंग आई है, जैसे जापानी होती है आल्टो वैसे भी इनकी फिटिंग आई है ज़बरदस्त किस्म की। ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं जी, ये हमने पार्किंग की जो करंट है वो हमने ले लेनी है यहाँ से, ये हमने कनेक्शन कर दिए हैं जी, ठीक है, कनेक्शन कर दी है, ठीक है, पार्किंग के साथ, ठीक है, बारीक वायर जो हमने पार्किंग की लगा दी है, ठीक है, और ये जो हमने ड्रैग करंट ली है ये हमने ब्रेक स्विच में से ले लिया, ठीक है, ठीक हो गया जी। इन ये नेगेटिव हमारी, चलिए अंदर आज अब इसको फिटिंग करते हैं प्यारी सी, ठीक है, इसकी जो टिपिंग वगैरह कर देते हैं, ठीक है, टाइप ग्राम वगैरह लगा देते हैं इसको, ठीक है, वायर प्यारी लगे नज़र ना आए, ठीक है, दोनों तरफ से आप कर दें इसको, ठीक है, फिटिंग वगैरह कर देंगे आप अभी इसकी। लाइट जो खोली थी, बम्पर ओपन, हम जो बम्पर हमने ओपन किया हुआ था वो फिटिंग वगैरह सारी कर देंगे इसकी,
ठीक है, फिटिंग आप देखें बिल्कुल प्यारी फिटिंग हुई है हमारी, लाया जो हमारी जो वायरिंग पता नहीं चल रही कि वायर हमने डाली भी है या नहीं। अच्छा ये इसमें नॉन जेन्युइन आता है जो फोक्स लैंप के लिए ना, ये नॉन जेन्युइन लगाया है, जेन्युइन पे फोक्स लैंप नहीं लगती। ठीक है, ये हमारी पार्किंग के साथ ये दोनों लाइटें हैं। ठीक है, जब पार्किंग ऑन करेंगे लाइट तो ऑन हो जाएंगी। अब ऊपर आप ऊपर नीचे करके दिखाते हैं आपको, अंदर बैठे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लाइट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, ये हमारी नीचे जा रही हैं अब लाइट्स। ठीक है, अंदर बैठे ही अब ऊपर करेंगे इसको, ये ऊपर हो रही हैं। ठीक हो गया, अभी ठीक हो गया जी। ये हमारी फोक्स लैंप है जी, फोक्स लैंप की भी आपको चेक करवा देते हैं, हमने जो इंस्टॉल की है। ठीक है, ये हमारे अच्छा ये 2023 के एंड में जो आई हैं ना गाड़ियाँ, उसमें ये जो एडजस्टमेंट वाली जो है मोटर है ना जो लाइट के अंदर, वो नहीं देगी इन्हें। ठीक है, ये AGS वाली है। ठीक है, ये नहीं देगी, ये देख सकते हैं आप, ये जो नया कस्टमर है यूज़र है ये आल्टो का, उनके लिए नहीं है। ठीक है, ओके जी,